आरडब्ल्यू में आप क्या मुख्यतः समस्या अपने क्षेत्र में देखते हैं? ऐसा है, डीडीए का पार्क चलाता है, वही हमारी समस्या है। उसमें पार्क बनना चाहिए जिसमें कि बच्चे बड़े सब बैठे उठे, और उसके बाद पार्क पार्क तो कोई बनता नहीं, उस पर लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए, कब्जे हो रखे हैं। और उसमें हमने जो है बहुत सभी जगह कंप्लेंट करी, डीडीए को भी हमने कंप्लेंट करी, डीडीए ने आज तक हमारी सुनी नहीं। वीसी के पास भी हम गए, चार दफ़े वीसी के पास, वीसी से बोला कि ऐसे ऐसे ये हमारी समस्या है, आपका पार्क है, हम आपको सूचित कर रहे हैं कि आपके पार्क पर कब्जा ना हो तो आप अपने पार्क को देखो दे जाते हैं। तो आज तक कोई भी डीडीए वाला हमारे पास नहीं आया, ना ही डीडीए वालों ने इस पर कुछ एक्शन करा। मतलब कहने का मतलब यह है कि डीडीए को तो जूही नहीं चलती है, इतना ही कह लो। तो डीडीए ने एक्सेप्ट करा कि मेरे हमारी जमीन उनकी जमीन है? हाँ, डीडीए ने ये एक्सेप्ट करा, अगर इसमें कोई शादी ब्याह कुछ करने के लिए सोचेगा तो तुरंत गार्ड आ जाता है। वैसे कोई झुग्गी डाले तो गार्ड वार्ड नहीं आता है यहाँ। झुग्गियाँ लगातार डल रही हैं? हाँ, झुग्गियाँ उसमें डल रही हैं। अब कल परसों हमने SHO साहब को फ़ोन किया तो SHO ने तो पुलिस भेज दी थी, पुलिस वालों ने तो अपनी कार्रवाई करी है, बाकी DDA ने आज तक कुछ भी कहा। पुलिस ने जो नए कब्जे हो रहे हैं उन्हें हटाए या फिर जो नए कब्जे हुए हैं वो हटाए हैं, जो पुराने कब्जे हैं वो हटाए नहीं। एक शरीफ नाम का आदमी उसमें कब्जा कर रखा है, और उसके बारे में हमने बहुत चिट्ठियाँ दी, हर जगह चिट्ठियाँ दी, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी, ना ही किसी मंत्री ने सुनी, ना ही BC ने सुनी, किसी ने भी हमारी बात सुनी नहीं। क्षेत्रीय विधायक हुए, विधायक जी के पास हमने चिट्ठियाँ दी, विधायक जी ने भी आज तक कोई भी एक्शन नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, पार्क होना चाहिए? अब हम ये चाहते हैं कि उसमें जो है वो पूरा सफाई होके और उसमें पार्क वार्क बन जाए, जिसमें बड़े बूढ़े बच्चे सभी उसमें बैठे उठे खेले कूदे। हम ये चाहते हैं। तो जितने भी आपने लेटर दिए उनके आपको रिस्पॉन्स मिला है? नहीं, हमें कहीं से कुछ नहीं मिला, कहीं कहीं से कोई लेटर आ गया तो उसमें ये नहीं है कोई हम उसका एक्शन करें कुछ करें, उसमें सिर्फ ये लिखा गया अभी आपका लेटर हमारे पास आ गया, खाली एक्सेप्टेबल लेटर। बस बस, आपके क्षेत्र में देखा जाए तो गंदगी बहुत ज़्यादा है, गंदगी व्यवस्था के ऊपर देखिए। अब गंदगी की बात ऐसी है, आके सुदेश ना जाटर भी हैं यहाँ के निगम पार्षद, हमने उनसे बोला मैडम इस गंदगी को साफ कराओ, तो उनकी भी कोई भी कर्मचारी सुनने पर राजी नहीं, करना वो कराने को। अच्छा, उनके पास भी हम जैसे आते जाते रहे, अब यहाँ ऐसे ही एक कॉलोनी के अंदर मीट की दुकान पहले भी थी, एक दुकान अब खुली भैंसे की, जिसमें कि हमने निगम के पास भी गए, सब जगह गए, लेकिन उसके बारे में किसी ने नहीं सुना। एक BC हैं ये MCD के, उनके पास गए तो वो क्या कहते हैं, अखिये तो सब्जी है, जो पशु कटना या मीट जो होती है उसको सब्जी बताते हैं। किन्ने दिया, किन्ने जवाब दिया? अतीक अहमद, अतीक अहमद, उन्होंने अतीक अहमद ने कहा कि ये तो सब्जी है, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। तो उनका जवाब ये है, सुदेशना जाटव जो है, हम इनके पास निगम के पास जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई कल को दंगा हो जाए या कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए मंदिर के पास, ऐसी शॉप खुली है तो उन लोगों को आपने ऐसे कुछ सचेत किया था? सचेत किया, लिखित में दिया है, उन्हें लिखित में चिट्ठी दे के आए हैं, इससे कुछ भी हो सकता है। सर आप जो है ना इसे ऐसा मत करिए, उसे हटवाइए, लाइसेंस कैंसिल करा के मीट की दुकान पर। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हम देखेंगे, बाद में उन्होंने कहा कि ये तो सब्जी की दुकान, ये तो सब्जी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुदेश ना को और लोगों ने हमसे बोला, कॉलोनी वालों ने बोला कि भाई ये तो निगम का एक पॉइंट बनता है, निगम उसे बंद करा सकती है। निगम से हमने अब तक 10 चिट्ठियां दे चुके, लेकिन निगम ने भी नहीं सुना। आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं वो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्हों तक आपकी शिकायत पहुंची? हाँ जी, हमारी शिकायत हमने वो भी फोटो भी दी, फोटो समेत हमने वो दिया है, चिट्ठियाँ दी है उन्हें, आज तक वहाँ से कोई जवाब नहीं है। उसके बाद में हमने मेल भी किया है, मेल करे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को भी हमने मेल करी, मगर वहाँ से जवाब आया है कि कार्रवाई हो रही है, मगर 15 दिन हो गए मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हम ये चाहते हैं कि इस कॉलोनी में साफ सुथरा रहे, ये सब चीज़ें को जो कंपनी ने दी है उसका रिस्पॉन्स दें, मगर यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जो विधायक के जो ऑफिस में बैठे हुए हैं वहाँ जाते हैं तो वो किसी को भेजता है, कोई किधर भेजता है, कोई किधर भेजता है, मगर कोई कार्रवाई नहीं। टोटल मिला के समस्याओं का अंबार है, कोई जनप्रतिनिधि आपकी कोई सुन के राजी नहीं है,
दिल्ली सरकार में। बस यही है कि आपका लेटर रिसीव हो जाता है, मोहर लग जाती है नीले रंग की और आप घर चले जाओ। हम देख रहे हैं जिस तरह से सफाई व्यवस्था को लेकर देश के प्रधानमंत्री भी, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री भी बहुत सचेतता दिखा रहे हैं अपनी पूरी दिल्ली में। कई बहुत इलाकों में हो रही है सफाई, लेकिन आपके क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही गंदगी है, इससे बीमारियां हो सकती हैं काफ़ी। तो इसके ऊपर आपने कभी उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है सफाई व्यवस्था को लेकर? हमने सफाई मेंबर तो उन्होंने सब पूरी कॉलोनी में झाड़ू लगाई, मगर कोई ऊपर का अफसर या कोई विधायक या कोई निगम पार्षद हमारे साथ नहीं आया कि कहते हैं ये RW वाले अगर झाड़ू लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं लगा सकते। जनप्रतिनिधि हैं हम, RW वाले अपने घर में कभी झाड़ू नहीं लगाई, मगर हमने कॉलोनी में झाड़ू लगाई है। क्यों लगाई? कि सफाई जरूरी। लेकिन वो कहाँ तक करेंगे आप, फिर उसके बाद मगर फिर वही हाल हो जाता है, 10 सफाई करने वाले तो 20 कूड़ा करने वाले। मीट की दुकानें इतनी सारी खुली है उसके ऊपर आप? मीट की दुकानों में ये है कि पहले हमने बोला था कि भैया ये मीट की दुकानें नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लेने वाले कम हैं और आप खोल के कल को दंगा हो जाएगा तो उसमें दिक्कत होगी सबको। दंगा यहाँ होगा मगर पूरे देश में होता है। फिर ये कहते हैं कि हमें बताया नहीं, हमने मुख्यमंत्री साहब को भी लेटर दे दिया कि आपको कल को कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, जैसे सपूरपुर बस्ती में झुग्गियाँ जल गई, वो ये कहते हैं कि मुझे सूचना नहीं मिली, तब मैं धरने में बैठ जाता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमने पहले उन्हें सूचना दे दी कि कल को ऐसी दिक्कत आएगी तो आप हम जिम्मेवार नहीं होंगे, मगर कोई सुनवाई नहीं है। आपको तो आप कुछ अध्यक्ष हैं RW के, तो आप बताएं समस्याओं को क्या क्या समस्या आप मुख्य देखते हैं? समस्याएं तो देखो, सबसे पहले तो ये मीट की दुकानों की है, दूसरा जो पार्कों में अतिक्रमण कर रखा है वो है, तीसरा ये फुटपाथ पे आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर कितना अतिक्रमण हो रखा है। कोई मोटरसाइकिल की मरम्मत कर रहा है तो कोई अपने ठेली लगा कर मीट बेच रहा है, तो कोई रजाई गद्दे लेकर के अपने रुई की दुकानें खोल रखी है, किसी ने कबाड़ी की दुकान खोल रखी है, तो यहाँ निकलने तक के टाइम नहीं है बिल्कुल, और ना ही हमें कहीं मौका मिलता है कि कोई सफाई व्यवस्था भी अगर हम कराई जाए तो देखो, तो ये गाड़ी पार्क लगवाए थे तो ये गाड़ी अंदर थी, इसमें हमने इससे कहा था गाड़ी वाले से, मैंने भाई गाड़ी हटा ली इसे, इसकी सफाई सुनी होगी, लेकिन उसने भी गाड़ी नहीं हटाई। तो किससे लड़ाई झगड़ा करें कैसे करें आप बताओ? मीट की दुकानों के बारे में हमने कम से कम नहीं, तो मेरे ख्याल से 20 चिट्ठियाँ हमने दे रखी हैं नगर निगम में, MCD में सारे में दे रखी हैं, और तुम्हारे मनीष सिसोदिया के भी दे रखी हैं, और एक बार तो मनीष सिसोदिया के तुम्हारे PA जो हैं सुरेंद्र सिंह, उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं सख्त सख्त कार्रवाई करवा पाऊँ, उनका भी नहीं हुआ। फिर दोबारा हम 15-20 दिन के बाद फिर गए तो दोबारा जो है अनिश नाम का एक व्यक्ति था, उससे हमें मिलवाया गया कि भाई ये काम करेंगे आप, उसने भी नहीं काम किया। 8-10 दिन बाद फिर हम गए, फिर एक वाल्मीकि है कोई लड़का यहाँ पे मोनू चंद्र बिहार का, उससे भी हमने बात करी तो वो कह रहा है कि मैं अपने पर्सनल रूप से अपने आप ही मैं अब इनको जो है दुकान को हटवाऊंगा और मेरा नाम सो मत करना। मैं चलो कोई बात नहीं करवाओ भाई, लेकिन अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है कहीं से भी। DDA की बात आती है तो DDA में हम कम से कम INA जो DDA का मुख्यालय है उसमें हम कम से कम 20 बार गए और हर बार चिट्ठियाँ दी हैं। एक बार तो हमारी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जो हरी बाबू हैं महेशगिरी के भाई हैं पता नहीं कौन है, उनके द्वारा एक कॉन्फ्रेंस हुई थी हॉल में, तो उन्होंने उस समय ये हमें आश्वासन दिया था कि हम कार्रवाई करेंगे और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे, पुलिस व्यवस्था जैसे होगी वैसे हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद भी हम विकास मीनार में दे आए, विकास मीनार पर भी कोई काम नहीं हुआ। तीसरा हमने दिलसाद गार्डन 85, ये भी DDA का ये हिस्सा है, उसमें भी हमने दे रखा था, वहाँ से भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सब जगह से हताश है, सब जगह से हम हताश हैं। हम तो जो है जो काम कर रहे हैं छोटा मोटा लेवल पर जो हमारा काम हो रहा है वो महेशगिरी की ऑफिस के द्वारा ही हो रहा है। तीसरा हमारा कोई भी अधिकारी कहीं से भी कोई काम करने को, विधायक काउंसलर आपके क्षेत्र में कभी दौरा करते हैं? कोई भी दौरा नहीं, विधायक तो आज जब से उप मुख्यमंत्री बने जब से तो विधायक ने तो हमारे यहाँ आए नहीं अभी तक, और हम कितनी बार ऑफिस में उनके में घूमे आए लेकिन एक बार भी हमें दर्शन हुआ, क्योंकि दिल्ली सरकार के वो दूसरे नंबर के नेता हैं, दूसरे नंबर के नेता हैं, लेकिन वो दूसरे नंबर के नेता हैं तो वो VIP हो गए, तो वो आम पब्लिक से क्यों मिलेंगे? आम पब्लिक का क्या मतलब रहेगा? आम पब्लिक तो बेवकूफ़ है, उनको वोट देती है अपना काम हो जाता है उनका। सारे वोट हमने अपने फंड से, हम 200 रुपये प्रति मेंबर के हिसाब से जमा कराते हैं अपने उसमें RW में, वो पैसा इकट्ठा होता है। कुछ दानी सज्जन ऐसे थे जिन्हें 51,000 दिए, किसी ने 21,000 दिए, किसी ने 11,000 दिया, वो पैसा इकट्ठा किया फिर जब हमने सारे बोर्ड लगवाए। ये बोर्ड हमारी संस्था के द्वारा लगे, कोई मतलब
गवर्नमेंट का कोई ऐड नहीं है इसमें। ये रह गए तुम्हारे बोर्ड, पीडब्ल्यूडी के बोर्ड लगे थे, हम एक साल से इनके पीछे पीछे भाग रहे थे, यहाँ तक मुकुंद जोशी तक हम भागे जो पीडब्ल्यूडी का हेड है, आरटीओ में बैठते हैं, उनके पास भागे, उन्होंने फिर पवार के पास भेजा, उन्होंने भी चारों ने लिखा नेसेसरी सून, मतलब जल्दी से जल्दी काम किया जाए, लेकिन उसमें भी पवार जी जो बैठे हुए थे वो उसमें अड़ंगा अड़ाते रहे, हमसे कहते रहे कि जी इसको उखाड़ के फेंक दो। मैंने कहा भाई सरकारी संपत्ति को हम उखाड़ के फेंकते तो हम जेल चले जाएं, बहुत अच्छा काम बता रहे हो तुम भाई, ये काम तुम्हारे हैं लिखने के, तुम लिखवाओ। समस्या क्या थी पीडब्ल्यूडी के बोर्ड? उस पर लिखा हुआ था अल्लाह कॉलोनी। अच्छा, जबकि अल्लाह कॉलोनी नाम की यह कोई कॉलोनी नहीं है, सरकारी दस्तावेज जितने भी हैं सारे सरकारी दस्तावेजों में हमारे जो है पूर्व स्कूलों में भी लिखा हुआ है, रजिस्ट्री है, लाइसेंस है, या पावर ऑफ वो क्या नाम है तुम्हारा, ये आई कार्ड है, वोटिंग आई कार्ड, ऐसे में पानी के कनेक्शन है, बिजली के कनेक्शन है, सब में पूर्व स्कूलों में। इसके हमने सबूत भी दिए, मोमडंस के भी दिए, हिंदुओं के भी दिए, सारों को मिला के हमने इतना मोटा चिट्ठा बना के दिया था उनको, तब जाकर के इन लोगों ने थोड़ी सी कार्रवाई की कि उस पर बोर्ड पर अल्लाह का निशान लिखा हुआ था, उस पर उन्होंने स्टिकर चिपका के नीले रंग का, अच्छा, लेकिन अभी तक नाम नहीं लिखा है, ठीक, इतना हम कह सकते हैं। बाकी ये बकरी अपनी आ गई सब? हाँ हाँ सब आ गए। अपना परिचय दें पहले, समस्या बताएं क्या। मैं हरि कृष्ण, पूर्वी स्कूल ब्लॉक मनावली का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्या आप समस्या देखते हैं अपने? समस्या तो हमारी काफ़ी है, हम समस्या को सुधार करने के लिए पर्याप्त परेशान रहते हैं, और सफाई की ज़्यादातर सफाई की है, और तो सफाई के लिए आपने क्या करा, क्योंकि मैं देख रहा काफ़ी गंदगी आपके कॉलोनी में। कितनी बार सर अफसरों से मिलते हैं, करते हैं, कोशिशबाजी करते हैं, आते हैं सफाई वाले, कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते, उस तरीका से। आपकी निगम पार्षद कुछ ही दूरी पर, कितनी बार गए? निगम पार्षद के पास हम कई बार गए, कितनी बार गए, आते जाते रहते हैं, और परंतु कभी जब जाते हैं जब तो थोड़ा भेज देते हैं किसी को, नहीं तो बाकी रूटीन से नहीं आते, कोई कर्मचारी नहीं आ पाते। आ रहा लड़का, एक आदमी आता है, वो भी कितना करेगा, कुछ कर नहीं पाता। टिपर वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि टिपर दे रखे हैं एमसीडी ने उसका, ऐसे कुछ नहीं है। टिपर जो घर से कूड़ा उठाने आते हैं, गाड़ी, हाँ गाड़ी आती है, गाड़ी आती है, लेकिन गली से कूड़ा उठाने कोई नहीं आ रहा, नाली वाली सफाई, हाँ गलियों का नाली सफाई, और वो नहीं हो पा रही, पर्याप्त नहीं हो पा रही। एक अवैध कब्जा भी हो रहा है ज्यादा लोगों को, तो गंदगी के बेस पे हो रहा है। ये सुदेश ना जो है ना, यहाँ सफाई सफुई क्या गंदगी हो रही है। हेलो, चांदनी मिली।